नमस्ते, आप सब लोग कैसे हो। शिव मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक यूनिक मतलब वीडियो शेयर करने वाली हूँ, आप देख ही सकते हो। तो आप सब लोग मेरे साथ बने रहो, मैं आपको दिखाऊंगी क्या स्पेशल मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख ही पा रहे हो कि ये जो मेरा आसपास जो आसपास का जो माहौल है, हरा भरा है, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो एक्चुअली ये मेरा गांव है, तो मैं एक्चुअली आप लोगों को जो दिखाना चाहती हूँ, तो वो देखिए दोस्त लोग जो वो आपको मतलब दूर से, हाँ मैं थोड़ा कैमरा को थोड़ा फोकस करती हूँ, अभी देखिए अभी अच्छे से दिख रहा है। ये थोड़ा मतलब होम जैसा दिख रहा है, बट ये होम नहीं है। इसके अंदर स्पेशली क्या है, क्या एक चीज़ है, जो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली में उसके अंदर जो पान होता है ना, जो हम सब लोग जो शादी वगैरह में जब अटेंड करते, तो आपके उधर क्या होता है मेरे को नहीं पता है। मेरा जो होता है गाँव में स्पेशली, तो जब हम शादी में जाते खाने के बाद वो देता है, तो वो है पान। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वो पान का फार्मिंग कैसे होता है। तो आप सब लोग मेरे साथ बने रहो या चलते रहो, मैं आपको लेके चल रही हूँ। तो वो ये जो पान जो है, इसका मतलब कैसे करके फार्मिंग करता है, उसको कैसे कैसे करके उसको मैनेज करना पड़ता है, वो सब कुछ आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को स्किप मत करना है, अंत तक देखना है, और लाइक सब्सक्राइब आप लोगों को करना है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं और भी अच्छा अच्छा मज़ेदार वीडियो कैसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए आपका सपोर्ट का बहुत बहुत ज़रूरत है। तो गाइस मेरे साथ बने रहो, अभी हम जा रहे हैं हमारी जो वो जो पान का जहाँ पे फार्मिंग होता है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, तो बने रहो। गए हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर ही जो पान होता है, इसका फार्मिंग होता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि कुछ भी अगर मतलब थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है, तो फिर गाइस खेती बर्बाद भी हो सकता है। तो इसीलिए उसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। देखो इसका जो पूरा जो एरिया है, पूरा ऐसा राउंड करके इसको अच्छे से मतलब क्या बोलूँ, मैनेज किया गया। और ये जो स्पेशली ये जो आप तालाब देख रहे हो ना, ये भी मैंने मेरा जो आगे का जो वीडियो, उसमें मैं शेयर कर चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप चाहे तो देख सकते। और जाते जाते ये अंकल को मैंने देखा, ये माझी द माउंटेन मैन की तरह खुद ही अपना एक तालाब खोद दिया ये अंकल ने, देख ही सकते हो। चलो ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। अभी हम लोग चलते हैं हमारी जो मेन जो मतलब जो पान का जो यहाँ पे फार्मिंग होती है, वहाँ पे चलते हैं। चलो चलो बने रहो। तो फाइनली हम पहुँच गए अभी हमारी जो मेन जो आपको आज जो मतलब शेयर करने वाली थी, यही इसके बारे में, वो जो अंदर जो देख पा रहे हो वो सब पान है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना गाइस, पान जो होता है वो तो ऐसे नॉर्मली कोई भी पेड़ के साथ मतलब पेड़ होता है, एक पेड़ में गोल गोल करके घूमते उठता है। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे थोड़ा अलग होता है प्रोसेस। तो ये जो देख रहे हो ना, जो ग्रीन ग्रीन थोड़ा हरा हरा थोड़ा येलो दो, यही है यही। और स्पेशली ये गाइस बनारस का पान है, सभी सब पान नहीं है, मतलब ये पान यहाँ पे फार्मिंग होके बनारस में जाते हैं। जो आप सभी लोग, आपको पता ही है बनारस का पान कितना फेमस है, तो ये स्पेशली यहाँ से ही जाती है गाइस। तो चलो ये जो देख रहे हो नेट, ये सब कुछ मतलब पान के लिए ही है। तो ये जो इसको बांस का लकड़ी बोलता है, तो इसको अच्छे से कट कट करके एक एक करके उसको एक साड़ी में उसको लगाना पड़ता है। उसके बाद जो पान है उसका जड़ से मतलब आता है, उसको फिर अच्छे से उसको मतलब क्या बोलो मैनेज करना पड़ता है, उनको बांधना पड़ता है रस्सी से, बहुत प्रोसेस होता है। तो देख ही सकते हो, इसको आप वो भी बोल सकते हो जो पार्ट का क्या बोलता है उसको, आई डोंट नो, मैं भूल गई। तो पार्ट मतलब वो जो कॉटन होता है ना, जो मेन जो होता है जहाँ से जूट आता है, तो उसका ही पेड़ है, ठीक है। तो उसको अच्छे से लगाना पड़ता है, उसमें आप देख ही सकते हो पान को कैसे मैनेज करना है। और सबसे बड़ा बात, इसको पानी भी देना पड़ता है, और हर रोज़ इसको पानी देना पड़ता है। क्योंकि कुछ भी अगर पानी ठीक से नहीं जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, पान का पत्ते का मतलब क्या बोलूँ, वो मर भी जा सकता है। इसलिए बहुत ही
शेप भी इनको रखना पड़ता है और इनको हर रोज टाइमिंग में टाइमिंग बाई टाइमिंग यहाँ यहाँ पर पानी देना पड़ता है। देख ही पा रहे जो पिताजी है वो पानी डाल रहा है, तो आप बने रहूँ मैं और भी बहुत खुद बनाने वाली हूँ आपको। लेकिन गाइस प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखना है और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है और आपका भी दोस्त है उन सबको भी आप वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम और भी आपके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा मज़ेदार मज़ेदार वीडियो लेके आएंगे। जो लोग पान का शौकीन है प्लीज़ गाइस आप सब लोग बताइए आप लोग पहले ऐसा कभी पान का फार्मिंग देखे या नहीं है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग नहीं भी है वो लोग भी बताइएगा कि आप सबको ये वीडियो देख के कैसा लगा है और बोलिए कैसा लग रहा है। आशा करती हूँ आप सबको बहुत ही अच्छा लगा है। और ये जो देखा रहे ना फाइनली इसको केला बोलता है, तो केले का नीचे का जो होता है वो केले का फूल उसको हम मोछा बोलते हैं और वो तो खाने में मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि वो हम सब्जी बना के एक्चुअली कुकिंग सब्जी बना के वो खाते हैं। तो आप सब लोग खाते हैं कि नहीं है मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और सर और गाइस सब लोग को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब लोग स्वस्थ रहिए अच्छे रहिए। चलो और ये देखते एक देख ही सकते हैं ये सब पान है देखो ये सभी अभी मतलब थोड़ा और दिन होगा उसके बाद सबको निकाल के फिर बनारस में भेजना पड़ेगा। और सबके लिए मैं खास बोलना चाहूँगी कि आगे जाके मैं और भी बेहतर मज़ेदार वीडियो आप सब लोग के लिए शेयर करूँगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन में भी प्रेस कर दीजिएगा। तो बाय बाय टेक केयर।